गार्डन के सेंटर को आप कैसे सजा सकते हैं वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये है मेरे गार्डन का सेंटर, मैं इसी को ही आपको आज डेकोर करके दिखाऊंगी वेस्ट मटेरियल से एंड कुछ खरीदा हुआ मटेरियल तो लगेगा ही, कुछ खरीदा हुआ मटेरियल। चलिए आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसी पाइप, ये मेरे घर का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था। ये देखो मेरा लियो इधर कैसे खेल रहा है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था तो वही घर पे पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको संभाल के रख दिए थे कि कभी कुछ काम में आ जाए। इसी को मैं आज इधर यूज़ करने वाली हूँ। मैं पीवीसी पाइप जिसको मैंने थोड़ा पेंट करके रखे थे कि अच्छा दिखे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पेंट करके रखे थे एक्रेलिक पेंट से। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। नो लियो, ये वाला बीच वाला इन दोनों से थोड़ा छोटा है, तो मैं इसको एडजस्ट करने के लिए बीच में एक थर्मोकोल रख रही हूँ। हो गया मेरा। अब इसको सेट करने के लिए ये जो होता है ना, ये घर का फॉल्स सीलिंग के काम के लिए लाया था, तो थोड़ा बचा हुआ था, ये भी वेस्ट ही है, तो इसको मैं पहले इसके ऊपर बिठा देती हूँ। अब देखिए बेस बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा हाइट देने के लिए पीछे ये है थर्मोकोल। घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सामान आया था, इलेक्ट्रिकल सामान, इलेक्ट्रिकल गुड्स, तो उसी का ही मैंने रख के रखा था, उसी से ही मैं आपको इसका बेस बना के दिखा रही हूँ। अब देख लेते हैं अच्छे से कि बेस बहुत अच्छे से रहना चाहिए, हिल डुल ना जाए, नहीं तो मेरा जो ऊपर का डेकोरेशन होगा वो गिर जाएगा। अब इसको थर्मोकोल की जगह कुछ भी और, अगर पिच बोर्ड मतलब प्लाई बोर्ड टाइप का कुछ हो, या प्लाई हो, या फिर घर में कभी होता है ना काम करते वक्त टाइल्स का कुछ एक्स्ट्रा पीसेस रह जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, ये देखिए ग्रास मैट। अभी आप सोच रहे हैं कि ग्रास मैट ये पीसेस में क्यों है, ये पीसेस में इसलिए है क्योंकि जब हम लोग, मेरा एक दूसरा और गार्डन है, उस गार्डन में जब हम ग्रास मैट डाले थे तब उसका कुछ एक्स्ट्रा पीसेस रह गया था, उसी पीसेस को मैं इधर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने फेंके नहीं थे तो उसी पीसेस को मैं इधर यूज़ करने वाली हूँ। तो ये बन गया मेरा ऊपर का बेस, अभी बनेगा नीचे वाला बेस। ये है प्लास्टिक का स्टूल जिसको मैंने वो जो ऑयल पेंट होता है ऑयल पेंट से पेंट करके रखा हुआ था पहले से। और इसको बाउंड्री देने के लिए मैं ईंटों का इस्तेमाल करूँगी, जो मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था तो थोड़ा बहुत रह गया था, तो मैं ईंट का इस्तेमाल करूँगी बाउंड्री बनाने के लिए। मेरे पास वही सेम चीज़ है जो मैं इसको ढकने के लिए, ईंट को, ये तो ईंट तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, तो इसको ढकने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसके लिए मेरे पास वही सेम पीसेस बचा हुआ था। ये मेरा उद्धा वाला प्लांटर जो मैंने रोड साइड से खरीदा हुआ था, मेरा उधर से लाई थी, तो इसमें मेरा ये पौधा है, इसको टेबल गमे नहीं बोलते हैं, तो इसको मैं अपने जो सेटअप बनाए हैं ऊपर का इसके सेंटर में दिखाऊंगी। इस स्टूल के बीच में मैं बिठाने वाली हूँ ये मेरा, देखिए पहले प्लांटर दिखा देती हूँ आप सबको। ये देखिए सीमेंट का बनाया हुआ स्क्वायर प्लांटर है, ये सीमेंट से बनाया हुआ है, मेरा खुद का बनाया हुआ है, पहले DIY करके रखे थे। अब इसी में ही मैंने टाइटल वाइन लगा दिया और बीच में गणेश जी को बिठा दिया। तो फ्रेंड कैसा लग रहा है इस जगह का लुक। इसके बाद ये भी सीमेंट से मेरा
DIY किया हुआ हैंड है। आप सब देखे हुए होंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। अगर किसी को देखना है तो मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं दिखा दूंगी इसको कैसे बना सकते हैं। ये सीमेंट का बनाया हुआ हैंड है, इसको मैं बुद्धा जी के सामने बिठा दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी कुछ वाइट स्टोन। ये स्टोन आपको मार्केट में नर्सरी में भी मिल सकता है या तो फिर आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा। देखिए दिया, ये भी दिया है और ये भी दिया है। दिया से मैंने एक मशरूम भी बना लिया। जो बुद्धा जी के पास बहुत ही अच्छा दिखेगा। और मैं एक काम करना फ्रेंड भूल गई थी, ये जो मैं एक दो दो गोल बनाए हुआ हूँ वो सीमेंट का है, इसको मैं बुद्धा जी के नीचे ऐसे करके रखूंगी ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो जाए। ड्रेनेज अच्छे से हो जाए, नहीं तो नीचे रहेगा तो ड्रेनेज होने में टाइम लगेगा, मेरा पौधा मर भी सकता है। अब ये जो है मेरा दो खरीदा हुआ लैंटर्न है, लैंटर्न को मैं दो दो जगह पे बिठा दे रही हूँ। इसमें एक मैंने एक और पौधा मनी प्लांट का एक बॉन्साई टाइप का बना के रखा था, वो मैं इधर बीच में बिठा रही हूँ। और ये देखिए, ये मेरा एक मिनिएचर बनाया हुआ था, इसको मैं बुद्धा जी के बगल में छोटा बुद्धा जी को बिठा दे रही हूँ। तो फ्रेंड अब मेरा गार्डन बन के, मतलब गार्डन का सेंटर डेकोरेशन रेडी है। अब देखिए कैसा लग रहा है आपको, और आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर से शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।